देखिए, बनारसी कॉलेज गए थे और अभी हम हरचंद कॉलेज जा रहे हैं, तो कुल मिला के ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि भाई आपका जो है वैक्सीन वगैरह का सर्टिफिकेट के बिना एंट्री होगी या नहीं होगी। फिलहाल जो बाहर कैफ़े वाले हैं श्रीराम कॉम्प्लेक्स में एनआरसी के सामने, एनआरसी कॉलेज के, देखो आपका कोई सा भी कॉलेज है, लेकिन एक चीज़ तो है कि जो आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो आपको क्लियर करने हैं कैसे भी करके, ठीक है। वो आप क्लियर कर लोगे तब जाके कोई दिक्कत नहीं आने की। और एक चीज़ और है, मान के चलो वैक्सीन अनिवार्य करते हैं और कुछ बच्चों को छोड़ देते हैं कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपका पेपर नहीं होगा, मान के चलो अगर ऐसी स्थिति आती है, तो पहली चीज़ तो CCS यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा नोटिस नहीं डाला कि भाई अगर किसी बच्चे के वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या होगा। क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आया था हिंदुस्तान में, तो उसमें लिखा हुआ ये था कि जो स्टाफ है उन्हें अनिवार्य है वैक्सीनेशन कराना, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं थी और ना ही एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड पर ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ना एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है कि भाई क्या करना है, किस तरीके से मतलब वैक्सीन वगैरह करानी है या नहीं। तो अभी बिना वैक्सीन के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है जो हम बता रहे थे कि ना तो CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ चीज़ आया है, और मान के चलो ये अगर रोक लेते हैं कि भाई आपके वैक्सीन नहीं लगी हुई है, आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, तो उनके लिए पहले से कोई नोटिस नहीं है कि अगर ऐसे बच्चे रह जाते हैं तो उनका पेपर कब होगा। पहले ही लेट चल रहा है और सबके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं होने का। वो चीज़ अलग है कि हाँ कुछ कॉलेज में बता रहे हैं कि वैक्सीन का थोड़ा सा डाउट है, बाकी 12:30 बजे क्लियर हो जाएगा, जो कि 99.99% यही बोलेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट को साइड में रखो और एडमिट कार्ड से आप एंट्री ले लो, ठीक है। मास्क अनिवार्य है, अपना स्टेशनरी को पेंसिल वगैरह ले जा लेना, ठीक है ना। तो बस यही अपडेट है, बाकी जो उसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं एडमिट कार्ड के नीचे वो फॉलो कर लेना, और इसके बाद पेपर के बाद शाम को फिर बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जिस बच्चों के पेपर वगैरह हो जाएंगे वो ग्रुप में डाल देगा, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहीं से आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से क्या पैटर्न आ रहा है और क्या क्या है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी भाई, और बाकी कोई सूचना मिली तो अपडेट कर देंगे, और कुछ पता नहीं चल पाया इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमने कोशिश करी कि हाँ पता चले वैक्सीन का कि सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो चलो सही है, बाकी अब शाम को मिलते हैं, फिर शाम को जो पेपर वगैरह कैसा आता है और कैसा नहीं वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है।